Welcome, you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is Dark Sky Reserve. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, students, we will discuss why this is in news. सो इट इज अवज़ बिकॉज इंडिया का सबसे पहला डार्क स्काय रिजर्व बनने जा रहा है एंड बाई दी एंड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये डार्क स्काई रिजर्व भी बन जाएगा एंड ये हेल्ले में बन रहा है और हेल्ले एक प्लेस है जो है. Okay. कि लेह से ढाई सौ किलोमीटर दूर लोकेटेड है ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डार्क स्काई रिजर्व कि डार्क स्काय रिजर्व बेसिकली है क्या तो स्टूडेंट्स ये डाक स्का रिजर्व बेसिकली एक ऐसी जगह पे बनाना चाह को बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा हो कि डाक का है मीन्स uh, ये कुछ स्पेस एंड स्टार्स से रिलेटेड है एंड लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाना चाहते हैं तो बेसिकली एक प्राइवेट लैंड या फिर पब्लिक लैंड कोई सी भी लैंड हो जहाँ का एक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अलग हो डिटिंग्विश्ड हो बहुत ज़्यादा नॉक्टर्नल इन्वायरमेंट हो और जहाँ पे स्टेरी नाइट्स हो स्टेरी नाइट्स मीन नाइट्स मीन्स बहुत ज़्यादा डार्क नाइट्स हो और बहुत ज़्यादा स्टार्स हो ओके okay? तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन वेबसाइट दैट इज़ आई डी एस ए उन्होंने बोला है कि अगर डार्क स्काई रिजर्व बनेगा तो उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए सबसे पहली बात कि वहाँ का जो स्काई की क्वालिटी है ना वो एक्चुअल में दिखनी चाहिए कि वहाँ पे जो स्काई है वो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि पोल्यूशन के कारण आपको पता है हमें स्काई दिखता ही नहीं है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नाइट्स होनी चाहिए एंड अदर देन दिस एक ऐसा पेरीफेर एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क स्काई हो उसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा हो और इंडिया के अंदर ये हेले डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लद्दाख में चांगथांग चांग थांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके पास है अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि लद्दाख को ही क्यों चूज़ किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए आप भी लोग भी ये सोच रहे होंगे ना तो लेट्स ब्रीफ अबाउट इट देखो स्टूडेंट्स लद्दाख एक ऐसी यूनिक प्लेस है जिसका बहुत ज्यादा अलग इन्वायरमेंट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है आपको पता है वहाँ पे माइनस फोर्टी डिग्री टेम्परेचर चला जाता है विंटर्स में तो जिसके कारण वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो इनहेबिटेबल हो जाता है कि मींस वहाँ पे लोगों का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है स्पेशली इन विंटर्स और एक ऐसी लद्दाख एक ऐसा प्लेस है जो सी लेवल से थ्री थाउजेंड मीटर अबव लोकेटेड है और यहाँ पे माउंटेन टेरेंस तो है माउंटेनियस टेरेंस तो यहाँ पे देखने को मिलती ही है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा एरिडिटी होती है और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कम वेजिटेशन है प्लांट्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड देखने को मिलेंगे प्लस ये बहुत ज़्यादा एलिवेशन पे तो है ही हाई एलिवेशन पे तो है ही तो ये सब चीज़ें इसको परफेक्ट बनाती हैं जिससे कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हो सके वहाँ पे बनाई जा सके एंड एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरी मीन्स कि जो स्पेस से रिलेटेड स्पेस से रिलेटेड जो भी आपको रिसर्च वगैरह करनी है ना जो भी सेलेशल बॉडी है उनसे रिलेटेड आपको जो भी रिसर्च वगैरह करनी है तो उसको ये एक सूटेड बनाती हैं एक ऐसी प्लेस बनाती है कि यहाँ पे आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज कर सकते हो क्योंकि ना इतना ज़्यादा पोल्यूशन है और ना ही वहाँ पे ज़्यादातर आपको हैबिटेशन देखने को मिलेगी दाग स्वाय अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस है कि भाई वहीं पर ही क्यों बनाया जा रहा है एंड इसको बनाने का डाक स्काय रिजर्व को बनाने का क्या बेनिफिट होगा तो सबसे पहले है कि एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने का मतलब है कि देखो ये स्पेस से रिलेटेड सेलिशियस बॉडी से रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च करेंगे ना और वहाँ पे देखने के लिए फिर टूरिज्म भी आएंगे टूरिज़्म आएंगे टूरिस्ट बढ़ेंगे टूरिज्म बढ़ेगा बेसिकली अब वहाँ के जो फिर विलेज होगा वहाँ के जो हेनले विलेज के लोग होंगे वही वो उन वो लोगों को डायरेक्ट करेंगे ना क्योंकि गवर्नमेंट तो एक लेवल तक ही वहाँ पे लोगों को गाइड कर सकती है बता सकती है बाकी तो जो वहाँ के लोकल पीपल होंगे वो ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे लोगों को बनाने बताने के लिए और इसके साथ ही साथ जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी चांग था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में भी वो लोगों को आ, क्या करेंगे यू नो रूबरू करेंगे मीन उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे इस काइंड kind ऑफ of, इस काइंड की स्पीशीज़ मिलती है प्लांट्स के एनिमल्स की या फिर ये वैरायटी है ओके तो क्योंकि चांग था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा और वहाँ पे लद्दाख में अगर कोई जाएगा भी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने थोड़ी ना जाएगा तो इनका दोनों का काम हो गया कि एस्ट्रो टूरिज़म भी हो गया क्योंकि स्पेस से रिलेटेड भी अगर इसे होता है ना कि किसी को स्पेस में घूमने जाना है तो उसके लिए भी वहाँ पर स्कोप है कि आप स्पेस में घूमने जा सकते हो प्लस वो अपनी रिसर्चेस तो कर ही लेंगे लाइट पोल्यूशन से डील करने के एंड प्लस वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ जाएगा और जिससे कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक टर्म्स में बेनिफिट भी होगा सो बिफोर एंडिंग द सेशन आई है क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ़ यू आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना and the question is consider the following statements regarding the dark sky reserve statement one it is public or private land with a distinguished nocturnal environment and nights that has been developed responsibly to prevent light pollution and statement second by the end of 2022 india will be india will establish the country's second dark sky reserve in heli leh other than in Nainital, Uttarakhand. Which of the following statements are correct according to you? Tell me in the comment section. Uh so, we'll keep session. I hope you learned a lot, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.